हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री स्वामीनारायण। हिंदी सब्जेक्ट में आज हम जो आपकी फर्स्ट कविता है दो दीप, उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो दो दीप कविता में कवि ने क्या बताया है वो तो हमने समझ ही लिया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो दो दीप कौन कौन से दो दीप के बारे में बताया है? तो एक तो है सूरज और दूसरा दीप है वो हमारे शिक्षण रूपी, मतलब कि जो भी हमें शिक्षा प्राप्त करते हैं उससे नई एक दिशा मिलती है और हम सही रास्ता मिलता है हमको। जैसे सूरज की, ये जो सूरज है आकाश में नभ में, उससे हमें क्या मिलता है? उजाला मिलता है। ऐसे वो एक सूरज उसकी बात है और दूसरा सूरज वो है जो भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उनसे हमें जीवन में आगे नए रास्ते मिल जाते हैं। तो इस दो दीप के बारे में बताया है, मतलब कि जो शिक्षा रूपी दीप है उनसे हमें जीवन में आगे जाने का मौका मिलता है और हमें सच्ची राह मिलती है। और इस सूरज से जो नभ में है उससे हमें पूरा दिन उजाला मिलता है। तो चलो उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। उसमें क है बिना खेल का बिन बाती का। उसके बाद पंक्ति क्या आएगी? दिन भर एक दिया जलता है, क्योंकि सूरज में हम तेल तो डालने नहीं चाहते हैं फिर भी पूरा दिन जलता ही रहता है। उसके बाद और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। ओके, सूरज है वो पश्चिम में जाकर शाम को ढल जाता है। उसके बाद ग, नव मंडल का सूरज है वह कौन कौन में कौन कौन को उज्ज्वल करता है, कौन कौन यानी सभी जगह वो उजाला ही देता है। उसके बाद चमकीली किरणों से अपनी नित नया सवेरा लाता है, हर रोज चमकीली किरणों से नया नया सवेरा लाता है। उसके बाद है क्वेश्चन टू, उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला है कवि ने नभ के दीप की क्या विशेषता बताई है? तो नभ के दीप की यह विशेषता है कि वह बिना तेल तथा बिन बाती के चलता है। नव का जो सूरज है वो बिना तेल या बिन बाती के चलता है। आप ही देख रहे हैं पूरा दिन वो जलता ही रहता है ना। उसके बाद सूरज की किरणें निकलने पर पंछी क्या करते हैं? तो सूरज की किरणें निकलने पर पंछी नाच नाच कर गाते हैं। आपने सुबह उठकर देखा होगा पंछी है जो सुबह उठकर नाचते रहते हैं, एक पेड़ से जाकर दूसरे पेड़ पर बैठते हैं और उसको सुबह होते बहुत मजा आ जाता है। उसके बाद है क, भारत माँ के आंगन में कौन सा दीप जलता है? तो भारत माँ के आंगन में शिक्षा रूपी दीप जलता है। भारत माता के आंगन में मतलब के जो भी उसके बच्चे हैं वो शिक्षा रूपी आंगन के दीप, जो दूसरा दीप है वो शिक्षा रूपी आंगन के शिक्षा प्राप्त करके आगे जाने वाले हैं उसकी बात बताई है। उसके बाद है कवि ने शिक्षा के दीप की क्या विशेषता बताई है? तो कवि ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा दीप है जो दिन रात जलता है और हर घर में प्रकाश करता है। शिक्षा कैसा दीप है? जो दिन रात जलता ही है। हमारे में जो शिक्षा है वो दिन रात तो होती रहती है, ऐसा तो नहीं है कि दिन में होती है फिर रात को गायब हो जाती है, ऐसा तो है नहीं। और दिन रात चलता रहता है और हर मन में प्रकाश करता ही रहता है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उसके बाद ये सुनो और लिखो। तो ये शब्द आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी घर पे। चलो मैं एक बात करा देती हूँ। तो पहला है पश्चिम, नव मंडल, ढलता, कण कण, उज्ज्वल, ऊंच नीच, अंधकार, हस्ते, पंछी, आंगन, नान, प्रकाश और पोखरो। ये जो शब्द है आपको बोलने हैं, ठीक है? तो
लिखित प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड उत्तर लिखिए। ये दो आपको सी डब्ल्यू पार्ट में करना है और टेक्स्ट बुक में भी करना है। याद रखना, टेक्स्ट बुक में भी फिल करना है और सी डब्ल्यू पार्ट में भी अच्छी तरह से अच्छे अक्षर से लिखना है। इसके बाद का हम बाद में करेंगे, तो इतना अच्छी तरह से